तहसील समाज बनाना है हमारा, इसमें सिर्फ एक ही लफ्ज हो एससी, वो आप फैसला कर सकते हैं पिछड़े हो दलित हो या जो भी हो। वैसे तो हम अपने आप को पिछड़े क्यों माने दलित क्यों माने, लेकिन ये सच्चाई है कि अभी तक हम पिछड़े रहे हैं। 60 साल 70 साल के करीब हो गए हैं आज़ादी मिले, फिर भी हमारी हालत बुरी है। अगर हम परसेंटेज देखें तो कहीं नहीं पहुंच रहे ना आईएएस की, सिर्फ आईएएस को छोड़ के क्योंकि वहां पर उनकी मजबूरी है, लेकिन सेक्रेटरी के लेवल पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल में चाहे स्टेट में ले लीजिए कहीं ले लीजिए नहीं है। उसका एक कारण मुझे जो लगता है वो ये है कि हम आपस में एक नहीं है। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूँ क्योंकि वो भी बड़ा आवश्यक है। मैं हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट रोहतक का रहने वाला हूँ और यहाँ दिल्ली 20 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैं दिल्ली में 28 साल मिलिट्री में नौकरी करके कर्नल रिटायर हुआ था, उसके बाद मैं दिल्ली चीफ विजिलेंस ऑफिसर एनसीईआरटी रहा 5 साल, बाद में मैं मजिस्ट्रेट बन गया था दिल्ली 7 साल, और फिर मेरे को वाइस चेयरमैन हरियाणा एससी कमीशन बनाया गया। आजकल मैं देवात में एक समाज सेवा का काम कार्य कर रहा हूँ, वहाँ पर शहीदानी सभा मेवात है जिसमें विशेषकर दलित और मुस्लिम लोग हैं। हालांकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ दलित तो हूँ, लेकिन मैं अपने आप को मनुष्य पहले समझता हूँ। उन सभी लोगों ने वहाँ का मैं ना होते हुए भी मेरे को प्रेसिडेंट चुन रखा है, और मैं अपने दिन रात मेहनत करता हूँ कि आपस में कम से कम वहाँ और नहीं तो दलित और मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं, और ताकि उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं वो उनसे बचे। साथियों, मैं जब यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट था, मैं विशेषकर अपने सफाई कर्मचारी भाइयों को कहता था कि भाई ये काम आपने ले लिया ठीक है, जो काम कोई भी हो वो कोई खराब नहीं होता, हर एक काम अच्छा है, उसको दिल लगा के करो, लेकिन ये मत सोचो कि ये हमारे जातिवार पेशा है, इसको छोड़ने की कोशिश करो तब जाकर आप ऊपर उठोगे। यहाँ पर मियाँ बीबी दोनों अगर नौकरी करते हैं तो गांव में जो लोग हैं चाहे वो किसी जाति के हों, बाल्मीक हों या चमार हों या और हों, उनसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन है। वो पोजीशन को अगर आप ठीक तरह से प्रयोग करेंगे तो आप उन्नति करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कि अपने बच्चों को ये सिखाओ कि बेटा ये काम छोड़ना है, आगे हमें ये नहीं करना, ये ब्राह्मणों को करने दो, ये रिजर्वेशन उनको जाने दो। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को वाल्मीकि कहते हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि वाल्मीकि कब बने अच्छे, उनको हम आदर कब देने लगे, जब उन्होंने पुराना, मुझे नहीं मालूम ज्यादा नहीं पढ़ा उनके बारे में, ये कहते हैं कि पहले जो है उन्होंने इस तरह के काम करते थे इसलिए हम प्रसिद्ध हुए, लेकिन जब उन्होंने कलम पकड़ी तो तब जाकर प्रसिद्ध हुए। तो मैं चाहता हूँ हरेक जाति को भाई कलम पकड़ो, तभी उन्नति होगी। और हमारे जो साथी हैं जो आज मंत्री भगवान ने इनको अच्छा पद दिया है और साथ के साथ लगन दी है सेवा करने की, इनका साथ है। हमारा आज लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम जो हैं एक हो जाएं, आपसी जो मनमुटाव है वो छोड़ दें और हम आपस में हल करें कि किस जाति को रिजर्वेशन आपस में बैठ के हम ये, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो बैकलॉग है ये सरकार क्लियर कर दे। वो जिस जाति को आप समझते हैं कि ये गरीब है, मैं समझता हूँ कि विशेषकर बाल्मीक भाई जो हैं वो अभी ज़्यादा उसे नहीं उठे हैं, वो सारा बैकलॉग उनको देने को तैयार है। तो और जिसको भी कहें सारा एक अपनी पंचायत हो, ये नहीं हम दूसरे के हाथ में दे दें अपनी ताकत और वो हमारा फैसला करें, हम अपना करना चाहेंगे। उन्होंने तो फैसला ये कर दिया कि भाई आप बढ़ जाओ और जब वो हमारे पास ये उनको बाल्मीकों को जाने दो, उधर जमानों को ले लो, उनको ले लो, इस तरह का नहीं, ये रोको। ये मेरा आपसे एक बहुत ही बड़ा विनय पूर्वक प्रार्थना है।